हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे लिविंग ऑन ₹100 फॉर 24 आवर्स चैलेंज। और ये कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा, अमृतसर में। अमृतसर में ₹100 में पूरा एक दिन ये चलाएंगे। देखिए खाते क्या है यार, का तो पता नहीं चल रहा है। ₹200 में क्या ऐसा खा सकते हैं जिससे आपका पेट भी भर जाए और आप हेल्दी भी हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो समोसे ही खाती हूँ। पता नहीं है मुझे, मतलब वहाँ पे पंजाब में क्या सिचुएशन है, पता चल जाएगा। समोसा चाट 10-20 रुपए की आती होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलो हाँ वीडियो शुरू करते हैं। तरंग तरंग तरंग, नया शहर नई जगह और जेब में है सिर्फ ₹100। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं खाने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज। यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन रात सुबह और शाम सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ ₹100 में इन अमृतसर। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमृतसर में तो मैं खाऊं साग विद, कौन सी रोटी होती है? इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, और मैं घूम रही हूँ इस समय ओल्ड अमृतसर की गलियों में। यहाँ पे मुझे इतनी सारी चीजें दिख रही है, देखो फ्रूट दिख रहे हैं। फ्रूट तो गाइस बहुत महंगे आएंगे, आज के बजट में नहीं आएंगे। आज का बजट है सिर्फ ₹100। यहाँ पे कुलचे मिल रहे हैं, मेरा फेवरेट तंदूर में से निकल के आया। ये तो कुलचा नहीं है, ऑर्डरिंग लग रहा है ना। ये देखिए क्या प्यार है भैया से, मक्खन पे मक्खन, मक्खन पे मक्खन लपेटे चले जा रहे हैं। मुझे बहुत सोच समझ के जो है अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कितने कोल्ड ड्रिंक, हाय मेरी कोल्ड ड्रिंक कितनी है तो गाइस आपको बताऊं, कोल्ड ड्रिंक पीते ही मेरे मुंह से आह निकल जाती है। इतनी अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, खोलने की मजा आता है। ये बड़ी साफ सुथरी थी स्ट्रीट फूड जॉइंट मुझे दिखाया गया है। तो हम लोग पता करते हैं हम मिलता क्या है। नमस्ते भैया। नमस्ते, क्या मिलता है आपके यहाँ? हमारे पास भटूरे छोले, आलू वाले सिंपल। अच्छा, भटूरे छोले तो कितने के दिए? ₹20 के दो। ₹20 के दो आलू वाले नहीं मिलेंगे? आलू वाले ₹30 के दो। अच्छा मतलब, अच्छा 20 में अगर एक आलू कर लूँ और एक सिंपल कर लूँ तो चलेगा? ₹25 के दो। 25? अच्छा 25। मैच अच्छी है भाई। अच्छा आपकी मैच अच्छी है। अच्छा ये आलू बाहर देते हो भटूरे के अंदर देते हो? अंदर भी होते हैं ये, बाहर भी होते हैं। और ये चटनी चटनियाँ भी मिलेगी? पुदीने की चटनी, अनारदाने। चटनी तो बहुत ही गजब की दिख रही है। अमिया अमिया पड़ी है क्या इसके अंदर? हाँ जी। तो ऐसा करिए, हमारे पास बजट आज कम है तो आप ₹20 के हमें सादे भटूरे लगा दीजिएगा। क्या बात है, अभी देखना भैया ऐसे मोटे तीन बार ही खाना है भटूरे से, ₹20 हो गया, दिल खुश हो जाता है। तीन टाइम का खाना हो गया, चाय जो है भटूरे में ही खा लूं। इतना भैया ने स्टार्ट कर दिया है। ₹60 तो ही काम हो गया। मैं तो वही तो कह रही हूं, रेडी हो गया। ये देखिए क्या बड़े गरम गरम एकदम गोल, मेरे ऐसे नहीं बनते छोले भटूरे। आया साथ में देखिए क्या क्या दिया भैया ने। यहाँ पे प्याज दिया है, छोले दिए, चटनी दी है, और ये आलू का मसाला भी दिया हुआ है। ये तो कंट्रोल, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसी है। और कुछ कुछ हो रहा है मुझे, मम्मा गिर मत जाना। आलू का मसाला लगा दियो गाइस सबसे पहले। हाय हाय इंडिया जा छोले यहाँ पे गंध मिलाकर लेके आए थे। क्या था स्वाद ही नहीं थे, बेकार थे। छोलों के अंदर समोसे समोसे में भी मजा नहीं है। इट्स लंच टाइम गाइस, एंड पता है अमृतसर की गलियों में मैं इतनी देर से टहल रही हूँ कि कुछ कुछ लंच जो है हमारे बजट में मिल जाए। पर ये देखो क्या दिखा गाइस, गर्मी के अंदर मुझे दिखा है ये शरबत है, बनता है क्या भैया? क्या बनाते हो? पानी वो स्नो वाला कितने का है? ये बनता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी अभी देखते हैं। अरे गाइस अगर गोला ही खा लिया तो मैं लंच क्या खाऊंगी? और ये देखो तो कीनू दिख रहा है। साइड हो गए, साइड हो गए, साइड हो गए। ये कीनू तो ठंड में आते हैं ना? ये संतरे। अच्छा ये माल्टा है, क्या भाव दे रहे भैया? ₹100 किलो। आज तो पूरे दिन हमारा 100 का बजट है, माल्टा कैसे खाएंगे हम? और ये क्या है? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है? न्यूट्री कुलचा, मतलब न्यूट्री ऐसा सोया नहीं है? चलाओ चलाओ हिलाओ हिलाओ, दिखाओ दिखाओ कौन सा न्यूट्री कुलचा। ये तो बहुत ही मसालेदार है, तीखा तो नहीं निकलेगा? मसाला तो इतना डालो, तीखा कैसे नहीं होगा? टेस्ट कराओ, टेस्ट कर थोड़ा सा पेट भर दिया। ₹40 प्लेट लिया है। अच्छा तो कितने कुलचे आएंगे? ये कुलचे देंगे? दो कुलचे देंगे, और अगर एक लेंगे तो कितने का दोगे? तीन कुलचे। नहीं नहीं, अरे तीन हम कहाँ खा पाएंगे भैया? हम तो एक ही खा पाएंगे। तो एक कुलचा अगर न्यूट्री कुलचा लूंगी तो कितने की प्लेट दो? ₹20 की प्लेट दोगे?
अरे यार ये तो सही है, ये तुम्हारे बजट में बैठ गया, तो एक प्लेट न्यूट्री कुल्चा लगा दीजिएगा। ये इतनी बारी क्यों खा रही है? ये देखिए न्यूट्री कुल्चा तो बहुत ही गर्म गर्म, वैसे ही मुझे लगा पहले क्या था ब्रेकफास्ट। अच्छा इसी में सेकेंगे ये? हाँ हाँ, ये तो गजब गजब हो गया। चटनिया वटनिया सब भेजना भैया, क्या बढ़िया बढ़िया सजा रहे हैं। इतने लंबे चौड़े तवे के अंदर इन्होंने देखो कितनी सारी सब्जियां लगा रखी, प्याज टमाटर कैबेज हरी मिर्च, और साथ में न्यूट्री कुल्चा। तो वाकई में बताऊँ न्यूट्री कुल्चा का तो मुझे पता नहीं, मुझे न्यूट्री है ना तो बहुत ही मसालेदार और एकदम एकदम ऐसी लग रही है मुझे। आई एम सो टेम्पटेड टू ट्राई। सो गाइस ये आगे मेरा 20 रुपए का न्यूट्री कुल्चा, देखिए देखिए क्या गजब का दिख रहा है। ये न्यूट्री में देख रहे कितने सारे सोया के चंक्स है, इसको प्याज और हरी मिर्च के साथ सजाया गया है, साथ में दोनों तरीके की चटनी है। कुल्चा देख रहे एकदम न्यूट्री के रसे में जो है डूबा है, लपलपा रहा है गाइस। तो चलिए अभी आप एक से मैंने पता क्या बनाया, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं। इसके जो मसाले है ना इतने गजब के हैं, इतने गजब के। मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे अच्छी बात ये जो सोया चंक देख रहे हैं ना, ये इतना सॉफ्ट है, देखो कितना जूसी है। ओ माय गॉड, इसका कोई नए तरीके से नया, इतना सॉफ्ट है कि इतने आराम से च्यू कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। कुल्चा भी मैं बताऊं एकदम गजब का है, मतलब इन्होंने गरम करके मुझे दिया है, बट ये बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं है। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, नहीं पर ये कम है, लंच के लिए कम है, दो कम से कम होना चाहिए। स्नैक टाइम भी हो रहा है, स्नैक्स में ना मुझे बड़ी बेहतरीन चीज दिखी दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पे दिख रही है सारे सारे पीतल के बर्तन लगे हुए, इतने सुंदर और इतने सालों के बाद ये पीतल के बर्तन देखने को मिल रहे हैं। क्या ले रहे भैया? पानी पूरी कुल्फा जी, दिखाइए थोड़ा सा उसके अंदर है क्या कुल्फी है उसके अंदर, और इसके अंदर क्या, ये बड़े बड़े भगोने में क्या है? फलूदा और ये हमने खाया था, खाया था इंडिया जाके, हम लोग ने शायद एक खाया था। कितने का ये? 60 का। अरे गाइस इतना तो बजट ही नहीं आया हमारा, ओए हमको हमारे बजट के अकॉर्डिंग चीजें दिख गई। तो आओ आओ दिखाओ मैं क्या खाने वाली हूं गाइस स्नैक्स में। स्नैक्स खाएंगे हम गाइस पानी पूरी, और मेरी बहुत ही फेवरेट है इनकी पूरियां भी ना, अच्छी खासी मोटी मोटी पूरी पूरी के साथ में। तो भैया बात बताओ कितने की है? 20 रुपए की 6 है मैडम। 20 रुपए की 6 है? अच्छा बात, 20 रुपए के 6 तीन पानी पूरियां खिला दो, और धीरे धीरे खिला दो, चटनी नारियल खिलाना। इमली का पानी बनाते हैं, इमली का पानी बनाते हैं, और यहाँ पे दो दो चटनी है हमको, तो भैया मीठी वाली चटनी देखना, गुड़ की चटनी, ये गुड़ की हरी वाली, ये हरी वाली पुदीने की है, पुदीने की। तो हमको तो गुड़ वाली चटनी डालना, पानी डालना, और इनका मसाला भी गाय आलू वाला है, हम भी लाए हुए हैं ऋषि के लिए लाई हूँ मैं। ओह ये तो जाएगा बड़ा, ठीक है इनका डिजर्ट भी हो गया सॉर्ट ऑफ, ये डिजर्ट थोड़ी कोई है, मीठा खा रही है। पानी तो आए हाय कसम से एकदम निकल गया। मुझे मिनरल वाटर भी नहीं मिलेगा, तो मैं रमाडा में आज नहीं खाऊंगी, मैं आई हूँ उसके ठीक सामने, यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया सा ढाबा दिखा है, समझ आता है मेरे बजट में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो 50 भैया, अरे वाह ये तो बड़े बड़े टंगीरे लगे हुए, क्या क्या इन टंगीरों में, दिखाओ दिखाओ, खोलो 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 ढक्कन खोलो ढक्कन खोलो, अरे और खोलो पनीर, पनीर काय का पनीर है, ये कढ़ाई पनीर है, और इसमें क्या, इस वाले बाजू और में क्या, बाजू में क्या दाल है, थोड़ी चलाओ हिलाओ डुलाओ थोड़ा, दाल मखनी लग रही है, दिखाओ कौन कौन सी दाल है, ये मखनी है, आय हाय तो दाल मखनी लग रही है। अच्छा तो क्या सब्जियां होंगी खाए हुए, लच्छा लच्छा कितने का मिलेगा, 60 की पराठा थाली और 70 की रोटी, नहीं रोटी थाली महंगी क्यों है, रोटी तो सस्ती आती है, कितनी रोटियां दोगे, लोग देख भी रहे हैं, लच्छा पराठा कितने दोगे, ऐसा क्यों करे, लच्छा पराठा एक और रोटी तीन तीन, ऐसा क्यों चलाकी की चलाकी क्यों। अच्छा तो ये बताओ कि लच्छा पराठा थाली लेंगे तो क्या क्या आएगा उसमें, लच्छा पराठा थाली में कढ़ाई पनीर है, दाल है, लच्छा पराठा चावल है, सारी इतनी सारी चीजें आएंगी, और 60 रुपए में कितना दोगे, बड़ा रीजनेबल है, बट अभी हमको अपने बजट में बैठाना पड़ेगा भाई। तो ऐसा करो हम एक थाली लगाना लच्छा पराठे वाली, हाँ तो हमको तो पनीर दे देना और लच्छा पराठा दे देना, तो कितने की पड़ेगी, सेम रेट कैसे होगा, दाल माइनस कर दी हमने, चावल माइनस कर दिया, और सैलेड सैलेड नहीं देना यार, सैलेड तो फ्री की होती है, मालूम है यहाँ पे
तो हमें दाल नहीं चाहिए, देख रहे एक लच्छा पराठा, वो भी कड़क, ये पनीर, पनीर पनीर तो मेरा फेवरेट है गाइस, बिना पनीर खाए तो मैं पंजाब से नहीं जाऊंगी गाइस, पड़ जाएगी सच में, पड़ जाएगी ना, 40 की दे दो और भी कट्टू दे दो, कितने क्यूट है ये देखो, ये भैया मेरी बातों में फंस गए मुझे लगता है। ये देखिए गाइस हमारा लच्छा पराठा जो है बन रहा है, दिखाओ कैसे बनता है, 40 रुपए में गर्मा गर्म पराठा खाने को मिलेगा क्या, सीधे तंदूर के अंदर लच्छा बन रहा है, तंदूर में बनता है, लगता है हमारा ये पराठा लगा है पूरे तंदूर के अंदर। ये देखिए गाइस यहां पे आ गया हमारा कुरकुरा लच्छा पराठा, इसके अंदर क्या इतने प्यार इतनी मोहब्बत है, भर भर के बटर पे बटर लगाए जा रहे हैं क्या मजेदार होगा, मेरी एकदम बेहतरीन थाली जो है बनाने तैयार कर दे, 2-2 लच्छा पराठा पा गाइस। ये देखिए ये है एकदम बढ़िया कढ़ाई पनीर, आए हाय हाय इसके अंदर देखो धनिया वनिया तो कैप्सिकम भी डाला है, क्या बात है, साथ में प्याज डाल सैलेड दिया है, और सॉरी देखो ये अचार भी दिया है गजब, और ये है स्टार ऑफ द शो, ये मेरा लच्छा पराठा जिसके ऊपर देखो, अरे यार एक परांठी कम है, मेथी भी बुरकाई, इतने सारे लेयर्स इस पराठे में गाइस, कैन यू सी द लेयर्स, या अभी तो मैं कह रही थी बहुत अच्छा टेस्टिंग टाइम, बड़ा आराम से टूट गया ये पराठा तो, अरे आजा भाई चलो अभी देखते हैं, गर्मा गर्म है यार एकदम, स्वाद भी बहुत लग रहा है, देखने में स्वाद लग रहा है, क्या पराठा बनाया है, है। पनीर भी खा के देखो, हमारे जले में नमक मत छिड़को, एकदम मसालेदार है, हल्का सा तीखा है जो आपको ना थोड़ा खाने के बाद पता चलेगा कि ये तीखा है, लच्छे पराठे का क्वालिटी है, वाकई बहुत ही बढ़िया है, मेरे कहने पे एकदम कड़क लच्छा पराठा सेगा, भैया जब बना भी रहे थे ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था गाइस, अमृतसर के अंदर 40 रुपए में आप भर पेट खाना भी खा सकते हैं, इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और डिजर्ट के लिए बचे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मिल जाएगा, तो भी 10 रुपए आइसक्रीम मिल जाएगी, ऑरेंज बार खा लो, ऑरेंज बार मैंने बड़ी खाई थी इंडिया में यहाँ पे, अरे दस की, और ये दिखाई भैया ये किस चीज का हलवा है, हलवा मूंग दाल का हलवा, अरे वाह क्या गजब का दिख रहा है, पूरा वाला डाला है, और ये छोटे छोटे गुलाब जामुन, नहीं हलवा गुलाब, कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं, हलवा क्या हिसाब दिए भैया, कितने के दिए, 40 का 100 ग्राम है, अब 40 का 100 ग्राम है, अच्छा कम खाना चाहे तो देंगे, खाओ पर हाँ अच्छे हैं, अरे क्यूट में लगे मुझे थे अंकल, तो कितने का कम में कम कितने का खा सकते हैं, अच्छा 40 का 100 ग्राम है तो 20 रुपए का 50 ग्राम सही पकड़े ना, तो 10 का 25 ग्राम हो गया ना, नहीं लोगे, अरे अभी तो आपने बोला खाओ तो आपके नखरे बहुत, नहीं दादा नखरे नहीं, आज अरे हमारे नखरे नहीं है, अरे अरे आई अरे अरे नहीं दादा हमने नखरे नहीं करने, आज हमारा चैलेंज 100 रुपए का, अब लास्ट बस 10 रुपए बचे हैं, जेब से निकाल दो उसके, अरे जेब से कैसे निकालो उसके, यार बजट ही है ना, गड़बड़ हो जाएगा ना हमारा बजट, मेरा बजट खराब हो गया, नहीं अरे थोड़ा दे दो, आप इतने प्यार से बातें करो, थोड़ा नहीं थोड़ा दे दो, अरे अंकल ऐसे नुकसान हो रहा है, बच्चे को नाराज करोगे क्या, अच्छा देखो थोड़ा हलवा दे देना, अरे नहीं अरे एक गुलाब जामुन फ्री, हलवाई बदनाम हो जाएगा 10 रुपए में, नहीं अभी तो आज तो आपका प्यार है जो हमें खिला रहे हो, जिन्हें हलवाई ना माफ हो जाए, ऐसे ना करो, हाय हाय थैंक यू सो मच, हाय कितने क्यूट है देखो गाइस, मुझे 10 रुपए में हलवा और गुलाब जामुन गर्मा गर्म है गाइस, नहीं तो कटोरी गर्म हो गई, नहीं चाहिए बाद में पैसे दे दो उनको ज्यादा, एकदम से घी से भरा हुआ ये हलवा है, आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं आपको सच बताऊं क्या कह रहा हूं, मुझे भी खा दे दो, सारे लोग इतनी दिलदारी से खाना खिलाते हैं कि वाकई मेरा मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया, फाइनली हम चैलेंज भी जीत गए गाइस, आज एकदम जैकपॉट लग गया मेरा, अगर आपको चैलेंज अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अब मिलूंगी किसी और चैलेंज में, बाय, या मजा ही आ गया देख के, देख लो कि इंडिया में हमारे पास इतनी वैरायटी है कि एक गरीब इंसान भी अच्छा खाना इतना अच्छा खा 100 रुपए में खा सकता है पूरा दिन का, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा, आपको महंगा भी बहुत मिल सकता है, आपको सस्ता भी मिल सकता है, हर लास्ट में थोड़ा कम पड़ गया था तो आप कह सकते हैं चलिए आप डिजर्ट मत खाइए,
नहीं, 10 में आपको, हाँ 10 में आप अच्छी तरह वो ऑरेंज बार, आप लोगों को यह पता नहीं, मेरे ख्याल से अब शायद नाम उसका चेंज हो गया है, कुल्फी नहीं, ऑरेंज बार में बताती हूँ सब खाना मैंने वहां पे इंडिया जाके, मैंने वो बड़ी खाई है। और मेरा भाई, मेरी शक्ल देख रहा था कि तू यूएसए से ये वाली खाने आई है, मैंने कहा हाँ यही वाली मेरी फेवरेट है। वो बताओ कौन सी है? वो कुछ नहीं है, वो बर्फ के अंदर जो होता है वो सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर वाली होती है, और हमारे टाइम उसको ऑरेंज बार बोलते थे, इस बार ही वो कुछ और ही बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं याद। और बाकी सब इतनी महंगी महंगी आइसक्रीम खाते थे, और मेरी सबसे सस्ती पर सबसे स्वाद, मुझे तो बड़ा मजा आया, मेरा गला भी खराब काफी। इसमें अच्छी बात ये थी कि 100 रुपीज में अच्छा फूड, इतना अच्छा था, कमाल का फूड है, दिस इज जस्ट, मुझे इसको देख के फील हो रहा है कि मैंने इस बार इंडिया में कुछ नहीं किया, मेरे सारे सपने जो थे इंडिया जाके करने वाले, मेरा कुछ नहीं, मेरा वो फुलफिल हुआ है। मैं बड़ी गुस्से में हूँ, मेरा बस चले तो मैं अभी आ जाऊँ इंडिया अकेले, मैं तो अकेले आने को भी तैयार हूँ, ये ऋषि नहीं जाने दे रहा, इतनी बारी मैंने बोला है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।